अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई दोपहर का टाइम हो रहा है और 2-3 दिन से मैं वीडियो ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि भाई नया कि एक तो तबीयत सही नहीं है और फिर खाना वगैरह भी घर के अंदर नहीं पकता है, तो इस वजह से एक बंदे की तबीयत सही नहीं है, 3 ही तो लोग हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बना रहा। तो खैर आज नेहा की तबीयत कुछ बेहतर हुई है तो यह यहाँ पर अभी बैठ के सुकून से काम कर रही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं हुई है। इसकी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सही नहीं हुई है तबीयत। अभी तबीयत तो बहुत तबीयत खराब है, कहां से पूरे कमर में दर्द हो रहा है। बैठी हूँ, दिल नहीं कर रहा, बैठने का दिल कर रहा है, लेटी ही रहूँ बस। हाँ तो मैं लेटा ही रहूँ, वो सही है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि नया ने अभी मुझसे कुछ मंगवाना है, तो क्या लेकर आना है बाहर से? फ्रूट बाहर से फ्रूट वगैरह लेके आने। खा लोगी? हाँ, दिल कर रहा है, खाना तो खाया नहीं जा रहा, अब फ्रूट खाऊंगी, ये शायद थोड़ा मुझसे बेहतर फ्रूट रहेगा। मंगवाएगी लेकिन फ्रूट भी नहीं खाएगी, क्योंकि जो भी मंगवाती खाती नहीं है। कल रात को भी खाना वगैरह लेकर आया बाहर से, वो भी नहीं खाया। दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। अभी सुबह भी उल्टी लगी है, पेट में ऐसा दर्द हो रहा है हाँ भूख के इस मारे। बेचारी की तबीयत सही नहीं है, मुझे कहती है 1 हफ्ते से बुखार हो रहा है, मेरा बुखार आप ले लो, तंग आ गई हूँ मैं इस बुखार से। तो खैर मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ इसके लिए फ्रूट वगैरह जो भी इसने मंगवाया है, तो ये कुछ खा लेगी, पेट में जाएगा, जिसम में जान आएगी, फिर ये मुस्कुराएगी थोड़ा सा। हाँ और भाई गर्मी इतनी टाइट हो रही है, मैं यहाँ पर 2 मिनट बैठा हूँ मेरी हालत ख़राब हो गई, पसीने पसीने से कमीज तार हो गई है अंदर से। तो खैर मैं अभी बाहर जाता हूँ और लेकर आता हूँ जो जो लेकर आना है। चले भाई बाहर गर्मी से मैं तरबूज और केले लेके आ गया हूँ। तरबूज तो मैंने पापा को दे दिया और केले रख दिए हैं फ्रिज में, पापा के पास जाते हैं और नेहा वहाँ पर पढ़ाई भी कर रही है, तो उससे भी पूछता हूँ कि क्या पढ़ रही है, कोई काम वाम आना भी है या नहीं। ये देखें भाई पापा यहाँ पर तरबूज काट रहे हैं और नेहा यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, ये पता नहीं क्या क्या पढ़ रही है, और छोटे छोटे तरबूज काटे हैं। तरबूज जो है ये सारे काट लूँ तो मेरे ख्याल में आधा काट लेता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्म भी हो रहा है। अभी भी लाया, ये गर्म हो रहा है सारा। थोड़ा सा ही काट लो, मैं तो 1-2 पीस खाऊंगा, बाकी तो नेहा ही खाएगी, नेहा ने मंगवाए थे ये, हाँ, नेहा की तबीयत और सही नहीं है ना, केले ये मैंने फ्रिज असल में रख में दिए। गर्मी ज़्यादा हो रही है और डॉक्टर ने इसको बोला है पानी ज़्यादा पीने का, तो ये तरबूज मैंने इसीलिए मंगा दिया। मैंने बोला चलो तरबूज सही है। अच्छा रमजान में ये इतने महंगे थे और अभी इतने सस्ते हो गए, हाँ, रेड़ियों पे भरे पड़े, ये तो मेरे को है तो ही गए, और मैंने अच्छे रमजान में खासे, मिल रहे भी नहीं थे हर जगह पे, कहीं कहीं पे मैंने मिल रहे थे। मैंने अभी अच्छे खासे पैसे दिए थे, मैं समझे शायद महंगा मिलेगा ये है, नहीं बिल्कुल सस्ता मिला। और बहुत सस्ता मिल गया। ये 100 रुपये का, 150 रुपये का मिला, ये 1.5 किलो है हाँ ना, 100 रुपये का 1.5 किलो। 100 रुपये किलो सही मिल गया, 100 रुपये किलो तो। और केले भी मैंने उसमें रख दिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं रखूँगा क्योंकि हाँ वो गर्म हो रहे हैं बाहर धूप की वजह से ना, अभी खा लेगी वो। और खाना वगैरह क्या बना रहे? खाना तो आज कढ़ी बनानी है, कल मौका नहीं मिला बनाने का, अच्छा इंशाल्लाह आज कढ़ी पकेगी, कढ़ी चावल। हेलो सही भाई, यहाँ पक रही है किचन में कढ़ी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, इसलिए मैंने नेहा को बोला है कि भाई चावल बीन लेना, चावल साफ कर लेना, इसके साथ चावल पका लेना। तो फिर अभी फिलहाल पकेंगे इसके साथ चावल, फिर खाना खाएंगे। और मैं भाई सोच रहा था कल जो मैं अपने लिए शर्ट लेकर आया था वो मैं अपने नाप की फिटिंग कर लूँ, मतलब कि जो मैं लेकर आया था वो काफ़ी ज़्यादा खुली है मुझे, तो मैंने सोचा है कि थोड़ी बहुत उसको फिटिंग शिटिंग कर लेते हैं, और मैं अलमारी से निकालता हूँ वो एक अपनी पुरानी शर्ट और एक जो कल लेकर आया था, परसों लोग छोड़ा था मैंने, उसमें देखी होगी आप सबने, तो वो शर्ट निकालता हूँ और एक पुरानी निकालता हूँ, तो उसके नाप की खुद फिटिंग करता हूँ, क्योंकि भाई नेहा तो कर नहीं सकती है, नेहा से करवाता हूँ मैं। नेहा अभी फ़िलहाल कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि कल से मेरे, हाँ कल से उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, तो अब वो ये दोपहर का टाइम है जो इसका पढ़ाई का टाइम है, तो खैर अब मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, तो जल्दी इसे शर्ट निकालते हैं, आप सबको भी दिखाता हूँ कौन सी शर्ट है और कौन सी नहीं, फिर यहाँ बैठ के मशीन पर फिटिंग करता हूँ उसको।
ये देखें भाई, मैंने शर्ट निकाल ली है यहाँ पर और इसके ऊपर रख के भी देख लिए, तो थोड़ी थोड़ी सी एक एक इंच जितनी फिटिंग होगी, बाकी पैंट तो ये रही, लेकिन शर्ट मुझे फिट करनी है। देखें कितने खुले बाजू में पूरी एक बालिश के, मैं तो भाई कमज़ोर सा हूँ, तो खैर अपने हिसाब से करनी है मुझे। तो चलिए जल्दी सब मैं मशीन में धागा वगैरह लगाता हूँ, धागे भी नहीं लगा हुआ इसमें, हाँ नहीं है, धागा लगाता हूँ और फिर फिटिंग करते हैं। भाई मैंने जो है उल्टा काम कर दिया, शर्ट फिट करने के बजाय ख़राब ही कर दिया। पापा को दिखाई तो पापा बोलते हैं दोनों सिलाइयाँ ख़राब लगाई हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ियाँ सिलाई लगा दी, टेढ़ी टेढ़ी सिलाई लगा दी, तो खैर अब वो उधेड़नी पड़ेगी। और अब किचन में जाके देखता हूँ कि भाई खाना बना है या नहीं, क्योंकि भाई भूख से बुरा हाल हो रहा है, भूख लग रही है टाइट वाली। भाई अभी यहाँ पर किचन में देखता हूँ मैं, खाना तैयार हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो तैयार हो गया, दोनों चीज़ें तैयार हो गई। हाँ कढ़ी भी तैयार हो गई, कढ़ी को मैंने उबाल के वहाँ नीचे रख दी। हाँ पहले तो कढ़ी आप बोल रहे थे ना, उसमें काफ़ी देर लगेगी। टाइम से देखना 5 बज रहे हैं, हाँ मैं सोच रहा था कि 4 बजे तक तैयार होगी, लेकिन वो कढ़ी में बहुत टाइम लग जाता है पकने में। 1:30-2 बजे से चढ़ी हुई थी कढ़ी। 2 बजे के बाद चढ़ाई, 2:15 बजे में हाँ उसमें बहुत पाँच टाइम बजे लगता है। चावल भी तैयार हो गए। चावल भी तैयार हो गए, अभी बस मैं जाके कपड़ा वगैरह बिछाता हूँ। और नीना सोई भी है, नीना को भी उठा। अब हाँ उसको भी उठाता हूँ, फिर कपड़ा बिछाता हूँ, खाना खाते हैं। ये दोपहर का खाना देखो आप खाएं। क्या आज करें, दरअसल में आपका सेटिंग खराब हो गई ना, नीना की तबीयत भी सही नहीं है, उसकी काम तबीयत में भी सही नहीं है और और कामों में बिजी रहा है। दोपहर के टाइम में अब उसको पढ़ाई करेगी। भाई खाना वगैरह जो है हमने खा लिया था, और शाम में मैं जो है बाहर चला गया था, और अभी आया हूँ। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।